हेलो एवरीवन हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ सेल्फ बिट सेशन वन कंप्लीट हो चुका है आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे जो वो करना चाह रहे थे जिस तरह का वो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारी गलतियां हो सकता है उनसे हुई होंगी और कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है ऑब्वियसली बट नाउ वी हैव वन मोर चांस जून अटेम्प्ट है हमारे पास बच्चों एंड इन द जून अटेम्प्ट हम सबको क्या करना है जो लिमिटेड समय बचा है इसमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा स्कोर सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो सकता है याद रखिए सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा यू हैव टू अप्लाई द थिंग्स विच आई विल बी टेलिंग राइट नाउ बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू सी वेदर आपका पेपर अच्छा गया बुरा गया जैसा भी गया एक्सेप्ट इट उसको आप चेंज नहीं कर सकते बट नाउ द गुड न्यूज इज दैट वी हैव वन मोर चांस टू इम्प्रूव आर स्कोर्स ओके okay. सो so, एक भी मिनट हमें वेस्ट नहीं करना है वी हैव टू यू नो कैरी ऑन विद द प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है बच्चों नोट डाउन योर मिस्टेक्स आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स किस तरह की गलती आपने अब तक करी है कि आपका इंग्लिश एल आर अच्छा नहीं हुआ था या आपने सिली मिस्टेक्स किया था कुछ भी या ओवर अटेम्प्ट किया था नेगेटिव बहुत हो गया या एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पेपर में डर गए थे वॉट एवर दैट वॉज यॉर्मूला याद नहीं आए थे बिकॉज नाउ यू हैव एक्सपीरियंस जस्ट रिसेंटली यू हैव गिवन द एग्जाम सो आप देख सकते हैं मिस्टेक्स, राइट डाउन है ना अब उसके बाद इज प्रॉब्लम प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखिए जो बचा हुआ समय है अगर एवरी डे अगर आप 150 से 200 हंड्रेड क्वेश्चन हाई क्वालिटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जस्ट इमेजिन इन द रिमेनिंग डेज यू कैन सोल्व फोर टू फाइव थाउजेंड क्वेश्चन अगर आप अभी से लेके चार से पाँच हज़ार क्वेश्चन करते हैं एंड उसके अलावा ये मान लीजिए फाइव टू सिक्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर कहना ही क्या यू विल डू ऑसम बट वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी डे हम वन फिफ्टी से टू हंड्रेड हाई क्वालिटी क्वेश्चन यानी बिट्स के रिलिवेंट क्वेश्चन को ज़रूर करें नाउ द पॉइंट इज़ पे हम थ्योरी में हैं उन चैप्टर्स का क्या करें क्योंकि ये डाउट होगा बिकॉज एवरी चैप्टर इज नॉट गुड राइट तो उसका सिर्फ फॉर्मूला देख के हमें समझ भी नहीं आता है तो आई रिकमेंड की थ्योरी का वो जो बेसिक पार्ट है वो आपको बस कवर करना है इतना कर लेना है कि फॉर्मूला समझ में आ जाए देन बस वो फॉर्मूला समझ में आ जाए एंड कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो बेसिक थ्योरी कर लीजिए बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं है अच्छा इसका वन स्टेप सॉल्यूशन मैं आप सभी को एक बता देता हूं कि अगर आपको कुछ थ्योरी का पार्ट कवर करना है आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी है आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चाहिए आपको वीकली गाइडेंस सेशंस भी चाहिए अगर आपको इंग्लिश एंड एल का भी एक मास्टर रिसोर्स चाहिए क्योंकि खुद से करना डिफिकल्ट हो जाता है तो हमें करने हैं सभी को पता है पर खुद से करने में दिक्कत होती है टीचर्स कैन रियली हेल्प यू तो बच्चों ये सारे के सारे resources का one master solution आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं इसका नाम है बीसीसी क्रैश कोर्स फॉर बिट्स 2.0 बैच है बच्चों यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन दिस बैच फ्रॉम ए एंड वेबसाइट वहां पर लॉग इन करिए स्टार बैचेज सेक्शन में जाइए एंड फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल इन द बैच इस पर्टिकुलर बैच में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यू विल गेट एक्सेस टू थाउजेंड प्लस कॉन्सेप्ट वीडियोस जहाँ से आप अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं आपको बहुत डिटेल्ड फुल लेंथ लेक्चर्स नहीं देखना है आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत सारे राइट हर लेक्चर में टीचर्स बहुत अमेजिंग क्वेश्चन कराते हैं पी वाई क्यू भी कराते हैं उसके अलावा बच्चों फुल एंड टेस्ट सीरीज एंड सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है ओके बच्चों तो इसकी हेल्प आप ले सकते हो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि इंग्लिश प्रोफिशियंसी एंड एल को इम्प्रूव करने के लिए आप सभी यानी जो मेमोरी बेस्ड हैं वो करना बहुत जरूरी है तो प्रैक्टिस के लिए इस समय बेस्ट रिसोर्स क्या है देखिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रिसोर्स है मेमोरी बेस्ड पीवाई पहली चीज सेकंड आ, आप नीट के जो पीवाई क्यू है वो भी कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े रिलेटिवली बिटसाट से ईजी होते हैं लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वो बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है आप एनसीआर एग्जाम्पलर भी कर सकते हैं अगली चीज़ ये है कि जो फॉर्मूला है एंड की पॉइंट्स हैं बच्चों उनको लिख लिख कर कर देखो एंड मेक श्योर टू रिवाइज एवरी सिंगल डे हर रोज अगर आपका जो डेली रूटीन है अगर मैं बोलूं तो आप दो से तीन घंटा एवरी डे स्पेंड टू टू थ्री आवर्स इन इंप्रूविंग योर थ्योरी पार्ट ओके इंप्रूविंग योर कंसेपचुअल नॉलेज बट द रिमेनिंग सेवन टू एट आवर्स स्पेंड इन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग राइट अगर एवरी डे जस्ट इमेजिन योर प्रैक्टिसिंग फॉर सेवन टू एट आवर्स विगरसली सो अराउंड यू कैन अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस और अगर आप ऐसा करते हो तो दो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस आपका एवरी डे कितना बढ़ जाएगा अब जहाँ जहाँ आप स्टक हो रहे हो थ्योरी में उस पार्ट को आप कवर कर लो उस पार्ट को आप कवर कर लो ठीक है एंड कवर करने का कोई आपके पास प्रेसाइज तरीका होना चाहिए आइर यू कैन डू इट फ्रॉम द एनसीआर बुक और फ्रॉम यूर क्लास नोट्स और फ्रॉम द बिट सैड क्रैफ कोर्ट्स एनी ऑफ द थिंग यू कैन डू ओके बच्चो सो नाउ द थिंग कम्स फ्रॉम द मॉक टेस्ट द रियल कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम द मॉक टेस्ट, टेस्ट जब आप दोगे रेगुलरली तो मॉक टेस्ट पहली चीज दे मस्ट भी रिलेवेंट टू लेवल के टेस्ट दे दिए जाते हैं लेकिन दैट वॉन्ट हेल्प यू राइट आपको असेसमेंट नहीं लगेगा कि आप रियल में कैसा आपकी तैयारी है तो बिटसैट के रिलेवेंट टेस्ट आप सभी को देने हैं एंड एटलीस्ट फाइव टू सिक्स फुल लेक टेस्ट दीजिए टेस्ट के साथ साथ मेक श्योर टू एनालाइज दैट कैसे इंप्रूव करना है क्या गलतियाँ मेरी हो रही हैं राइट right? उसमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि केमिस्ट्री इंग्लिश एंड एलआर को पहले करना चाहिए एंड देन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इजी क्वेश्चंस करने चाहिए एंड देन डू द रिलेटिवली टफर क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स इस तरीके से पेपर को अगर अटैम्प करोगे तो आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाला है बच्चों एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारी बातें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप फिजिकली फिट होगे मेंटली फिट होगे और आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो जिसके लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ योर स्लीप साइकिल मस्ट बी फाइन सही समय पे सोना है 10 से 11 बजे तक और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाना है एनी हाउ ओके उसके बाद स्टार्ट द डे बिल्कुल विगरसली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है आपको सुबह एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है नाश्ता करके सुबह सुबह तीन घंटे चार घंटे का स्ट्रेच में अपना काम करिए प्रैक्टिस करिए ऐसा अमेजिंग कॉन्फिडेंस आएगा आप सोच भी नहीं सकते बहुत अमेजिंग कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है जिन स्टूडेंट्स का फॉर एग्जाम्पल पेपर ऑलरेडी अच्छा हो चुका है दे कैन फोकस ऑन द मॉक टेस्ट राइट दे कैन गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट ओके सो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच यू नीड टू टेक इन योर माइंड एंड इनको आप अप्लाई करेंगे तो यू विल डू रियली ऑसम इन द जून अटेम्प्टेल ओके बच्चो सो दैट इज़ इट फॉर द सेशन एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हाउ वज दिस सेशन कैसा लगा आपको कैसे आपको हेल्प मिली एंड कुछ और अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो मेक श्योर यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ बबाई टेक केयर बच्चो एंड कीप प्रिपेरिंग वेल लव यू ऑल